जोधपुर से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, आपके बीच में हूं। मित्रों, आज सवेरे एक प्रश्न पूछा था हम लोगों ने, आय। आय का मतलब क्या हुआ? मैं जो स्वयं के लिए बता रहा है कि प्रश्न ये था कि आई के साथ में क्या आता है, इज आता है, आर आता है या एम आता है। सुनने में कितना इजी क्वेश्चन लगता है, ऐसा लगता है इतना आसान सा सवाल, सर ये क्या मजाक कर रहे हो, हम कंपटीशन लेवल की परीक्षाएं दे रहे हैं और आप इतनी छोटी बात पूछ रहे हो। तो मित्रों, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अभी पता चलेगा इसमें रहस्य क्या है और कैसे एरर में जाके सवाल कन्वर्ट होता है। प्रश्न ये है, आई के साथ क्या आता है, इज आता है, आर आता है या एम आता है। सोचो, थिंक, कीप थिंकिंग, सोचते रहो। सभी मित्रों से निवेदन है, जो घर पर बैठे हैं वो सोचे हैं, जो वीडियो बना हुआ देख रहे हैं वो एक पल के लिए समय दे रहा हूं, फिर सोच रहे हैं आई के साथ क्या आता है, इज आर एम। ओके, सुने मेरी बात को ध्यान से। जब भी कहा जाता है आई के साथ क्या आता है, तो जो पहली ध्वनि हमारे मुंह से उत्तर निकलता है वो क्या होता है? एम, क्योंकि हमने यही सुन रखा होता है। इसका मतलब ये सच है कि आई के साथ क्या आता है? एम आता है। आप सभी लोग राइट हैं। अब चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, दिल थाम लें, धड़कने रोक लें, आई के साथ में इज भी आता है, आर भी आता है। बोले ये कैसे संभव हुआ भाई? याद करो, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के अंदर फिक्स उत्तर होता है कि अगर आई एम लिखा हो तो इसका उत्तर हमेशा ही क्या बन रहा था? आरंट आई। आई एम का उत्तर क्या बन रहा था? आरंट आई। तो यहां पे इस अवस्था में आई के साथ क्या आ गया? आर आ गया। चौंकने वाली बात लगी? तो अभी तक हमने रट रखा था कि आई के साथ क्या आता है? एम आता है। रहस्य खुला तो पता चला आई के साथ में आर भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, और बहुत बड़े भौचक्के वाली बात अब आपके सामने आ रही है कि आई के साथ में इज भी आता है। ये तो यार चमत्कार वाली बात हो गई। अब आपके मन में आएगा, सर कुछ ज्यादा ही धराधरी हो रही है, इतनी तो धराधरी मत करो, इतनी तो फेंकेबाजी मत करो। लेकिन मित्रों, बिल्कुल सही है कि आई के साथ में तीनों अक्षर आ सकते हैं। आई के साथ में इज भी आता है, आई के साथ में आर भी आता है और आई के साथ में एम भी आता है। यदि आप अपने बारे में बता रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं व्यस्त हूं, मैं कमरे में हूं, मैं खिलाड़ी हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसी अवस्था में आई के साथ क्या रहेगा? एम रहेगा। क्या रहेगा? एम रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन टैग में परिवर्तन कर देते हैं तो आई एम का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? आरंट आई। और तीसरा बड़ा चौंकाने वाली बात आपको लग रही है कि मैं ये कह रहा हूं कि आई के साथ इज का प्रयोग भी होता है। सोचो कैसे होता है, दिमाग लगाओ थोड़ा। मेरे मित्र, आप गलत कह रहे हैं। देखो ध्यान से मेरी बात को सुने कि आई के साथ में इज केवल और केवल एक अवस्था में आता है, जब ये बोला जाता है, हिंदी का वाक्य है कि आई अंग्रेजी भाषा का नम्मा अक्षर है, आई अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला का नम्मा अक्षर है। ऐसी अवस्था में कहना पड़ेगा आई इज द नाइन्थ लेटर नम्मा अक्षर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब आई के साथ में इज भी आता है, आई के साथ आर भी आता है, आई के साथ एम भी आता है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यदि सेंटेंस कंडीशनल अवस्था का बना हुआ हो, इमेजनरी वाक्य बना हुआ हो, तो ऐसी अवस्था के साथ में आई के साथ क्या यूज हो जाएगा? वर्ब भी आ सकता है। क्या आ सकता है आई के साथ में? वर्ब। तो यही तो पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर, यही तो एरर आती है कि इमेजनरी सेंटेंस है, कल्पनात्मक वाक्य है, कंडीशन वाला वाक्य है, ऐसी अवस्था में आई के साथ इज आर एम तीनों हट जाएंगे, वॉज भी हट जाएगा, और ऐसी अवस्था में आई के साथ क्या रह जाएगा? वर्ब रह जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने। अगला फिर एक चमत्कारी प्रश्न आपके सामने मैं रख के जा रहा हूं, उसका उत्तर हम आने वाले समय में देंगे। ऐसा कहते हैं आधुनिक अंग्रेजी के अंदर कि शैल और विल में से शैल को हटा दो, सब जगह विल का ही प्रयोग होता है। इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज WILL विल विथ मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, पर मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। आधुनिक अंग्रेजी के अंदर भी शैल का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, वो कौन सी जगह है? इसके बारे में सोचें, इसके बारे में आप मनन करें, बाकी बातें कल करेंगे। टिल देन, बाय बाय।